अमृतपाल के अब तक पकड़े न जाने की वजह है उसके सहयोगी। कोई उसे भागने में मदद दे रहा है तो कोई उसे घर में पना दे रहा है। इसी बीच पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के दो वफादारों जोगा सिंह और चरणजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जोगा सिंह 28 मार्च को मोबाइल खरीदने सोहनेवाल पहुंचा था। नांदेड़ साहिब की कार में सवार होकर जोगा सिंह की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट पर थी और अब वो गिरफ्त में है। भगोड़े अमृतपाल के दूसरे साथी चरणजीत को जालंधर देहात पुलिस ने पकड़ा है। अमृतपाल दो दिन पहले होशियारपुर में जिस गाड़ी में सवार होकर भागा था उसे चरणजीत सिंह ही चला रहा था। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने स्वर्ण मंदिर से कलेक्टर ऑफिस तक मार्च निकाला। उनकी मांग है अब तक जितने भी युवकों को पुलिस ने अरेस्ट किया है उन्हें छोड़ दिया जाए। वहीं अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने 7 अप्रैल को बठिंडा के दमदमा साहिब में सुबह 11 बजे बैठक भी बुलाई है। अकाल तख्त के जत्थेदार ने ये ऐलान भगोड़े खालिस्तानी समर्थक और कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह की सरबत खालसा बुलाने की मांग के बाद किया है।